हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग 10 और वर्कैप्स को जानने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड्स है कॉन्टीन्यूअसली। कॉन्टीन्यूअसली इसका मतलब होता है लगातार। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कल से लगातार बारिश हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली सिंस यस्टरडे। इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि चाहे तो कॉन्टीन्यूअसली को वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं। इट हैज बीन कॉन्टीन्यूअसली रेनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट इज रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली हेयर। इट इज रेनिंग कॉन्टीन्यूअसली हेयर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टीन्यूअली। कॉन्टीन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। वहाँ लगातार था, यहाँ पर रुक रुक कर, लगातार लेकिन रुक रुक कर के बारिश होना। तो सेंटेंस लेते हैं, बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसके लिए बोलेंगे इट इज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली। इट इज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली। अगर ऐसे बोलना हो, कल बारिश रुक रुक कर हो रही थी इसीलिए मैं नहीं आ पाया, इसके लिए बोलेंगे इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली यस्टरडे, दैट्स वाई आई कुडंट कम, या आई डिडंट मैनेज टू कम, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट वॉज रेनिंग कॉन्टीन्यूअली यस्टरडे, दैट्स वाई आई कुडंट कम, या आई डिडंट मैनेज टू कम। अब यहाँ पर दैट्स वाई की जगह सो भी लगा सकते हैं इसीलिए के लिए। आज का नेक्स्ट वर्ड है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना, जैसे कि वह मेरे बगल से गुजरी, इसके लिए बोलेंगे सी पास्ड बाय मी। सी पास्ड बाय मी, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। बट आई डिडंट सी हर। बट आई डिडंट सी हर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे पास से गुजरोगे तो मुझे पता चल जाएगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ यू पास बाय मी आई विल कम टू नो। इफ यू पास बाय मी आई विल कम टू नो मीन्स आई विल कम टू नो। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ नो यूज, या ऑफ नो अवेल। इसका मतलब होता कोई फायदा नहीं। सेंटेंस लेते हैं, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसके लिए बोलेंगे आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मोबाइल किसी काम का नहीं, इसके लिए बोलेंगे दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज। दिस मोबाइल इज ऑफ नो यूज। तब तक मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वर्थ वाइल। वर्थ वाइल इसका मतलब होता है फायदे का सौदा या लाभदायक। सेंटेंस देखते हैं, यह फायदे का सौदा नहीं है, इसके लिए बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल, जैसे कि यह कपड़ा खरीदना फायदे का सौदा नहीं है। बाइंग दिस ड्रेस इज नॉट वर्थ वाइल। बाइंग दिस ड्रेस इज नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वहाँ जाना फायदेमंद है, इसके लिए बोलेंगे इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद या काफ़ी समय बाद। इसका सेंटेंस देखते हैं, तुम काफ़ी समय बाद आए हो, इसके लिए बोलेंगे यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग। यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग, काफ़ी समय के बाद मैं उससे मिला, इसके लिए बोलेंगे आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग। आई मेट हर आफ्टर अ लॉन्ग, अगर कोई लड़का रहेगा तो हिम कर देंगे, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात नहीं होना या रुचि नहीं होना। संडेज देखते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, अगर संडेज ऐसे बोलना हो, मैथ्स बनाना, चलिए अंग्रेजी सीखना मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए बोलेंगे लर्निंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, अगर ऐसे बोलना हो, अंग्रेजी सीखना मेरे बाएं हाथ का खेल है, या अंग्रेजी सीखना मेरे चुटकी का खेल है, इसके लिए बोलेंगे लर्निंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी। लर्निंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, अगर ऐसे बोलना हो, गाड़ी चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए बोलेंगे ड्राइविंग ऑफ कार इज माई कप ऑफ टी। ड्राइविंग अ कार इज माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन, पूरे वक्त,
सारा वक्त, सभी समय, मतलब सारा वक्त। सेंटेंस लेते हैं, मैं सारा दिन पढ़ता रहा। इसके लिए बोलेंगे आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल, आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। संडे को सारा समय मैं मोबाइल चलाता रहा। इसके लिए बोलेंगे आई केप्ट ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल ऑल द वाइल ऑन संडे, आई केप्ट ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल ऑल द वाइल ऑन संडे। अब नेक्स्ट आज का आखिरी वर्ड है रिप ऑफ। रिप ऑफ या ओ डबल एफ ऑफ है, इसका मतलब होता है लूटना या बेवकूफ बनाना। जनरली दुकानदार हम लोगों को बनाते हैं कम दाम वाले सामान को ज़्यादा दाम में बेचकर। जैसे कि कल सब्जी वाला मुझे लूट रहा था, या लूटने का मतलब पैसे नहीं छीन रहा था, मतलब ज़्यादा दाम ले रहा था सब्जी के लिए। तो इसके लिए बोलेंगे द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ यस्टरडे, द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें लूट लेगा या बेवकूफ बना देगा। इसके लिए बोलेंगे ही विल रिप यू ऑफ, ही विल रिप यू ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे ठग क्यों रहे हैं या आप मुझे लूट क्यों रहे हैं। इसके लिए बोलेंगे व्हाई आर यू रिपिंग मी ऑफ। हे गाइज, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का जो वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।